Hey, what is up, guys? This is R2K and welcome to the channel. Guys, as you all know, update के बाद से काफी गन के अंदर aim shake आ चुका है और aim shake है related with the default iron sight. अगर आपके पास में कोई ऐसी स्किन है या ब्लूप्रिंट है जिससे उसका कस्टम आयरन साइट होता है या आयरन साइट चेंज होता है तो ये एम शेक को आप फिक्स कर सकते हो. तो गाइज लेट मी टेक यू टू दी लोड आउट. और M4 की ये वाली स्किन है जिसमें इसका आयरन साइट चेंज होता है और ये बैटल पास की स्किन है तो मोस्टली सबके पास होगी M4 स्पर्ट करके है. तो गाइज लेट मी टेक यू टू ट्रेनिंग मोड और आपको दिखाता हूँ कि इसमें एम शेक बिल्कुल भी नहीं है. तो गाइज जैसे कि देख सकते हो और एम शेक मोस्टली ना तब ज़्यादा दिखता है जब आप थोड़ी लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हो. तो ये देखो मैंने लॉन्ग रेंज पे इसको टारगेट किया हूँ तो देर इज नो एम शेक. और आपको मैं साइड बाय साइड डिफॉल्ट और ये वाली स्किन का कंपैरिजन ही बता सकता हूँ ताकि आप और भी जो गन्स है लाइक AK-47 M13 जिसमें भी आपको हो रहा है तो आपको बस यही सोल्यूशन यूज़ करना है. आपको वो वाली स्किन यूज़ करना है जिससे उसका डिफॉल्ट आयरन साइट चेंज होता हो तब जाके ये एम जो शेक हो रहा है वो फिक्स होगा. तो बस गाइज यही तो आज की वीडियो के लिए. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दो. चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं अगली वीडियो में. जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.